नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे D2H डीएक्टिवेट कस्टमर्स के लिए ऑफर है, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है और ये ऑफर उन कस्टमर्स के लिए जो काफ़ी समय से बंद है। और इसमें भी अलग अलग ऑफर्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ऑफर दोस्तों 30 दिन, जो कस्टमर 30 दिन से बंद कस्टमर है उनके लिए ऑफर है। और अगर कस्टमर्स 404 का रिचार्ज करवाते हैं तो उनको मिलता है 202 का एक्स्ट्रा रिचार्ज। और जैसे कि अगर 404 का रिचार्ज करवाते हैं तो कस्टमर को मिलेगा कि 606 का बैलेंस मिलेगा। और इसमें और डीलर का भी मार्जिन रहता है। और उसमें आपको ये बात एक ध्यान रखनी है कि जब भी आप दुकानदार के पास जाएं तो आपको ये पहले से ऑफ़र पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये ऑफ़र पता नहीं होगा तो डीलर आपके साथ घपला भी कर सकता है। मतलब कि जैसे कि आप अगर डीलर के पास जाते हैं तो डीलर से आप बात करेंगे कि मेरे इस अकाउंट के अंदर क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं। 500 रुपये का रिचार्ज करवाना है जिसमें आपको 600 रुपये मिलेगा, लेकिन बाकायदे में आपका डीलर जो है वो आपके रिचार्ज करेगा 404 का। डीलर को 100 रुपये का मार्जिन मिल जाता है और कस्टमर को भी 100 रुपये का मार्जिन मिल जाता है। तो इस तरीके से डीलर आपके साथ घपला कर सकते हैं। तो आपको ये ऑफ़र ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको 404 का रिचार्ज करवाना है। D2H डीलर के माध्यम से ऑफ़र करवाते हैं तो ही आपको ऑफ़र मिलेगा, ऑनलाइन रिचार्ज करवाते हैं तो ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो ये था 30 दिन से कस्टमर बंद कस्टमर है उनके लिए ऑफ़र है। और जो दोस्तों 3 महीने से बंद कस्टमर है उनके लिए ऑफ़र है। जो कस्टमर 90 दिन से बंद है यानी कि 3 महीने से बंद कस्टमर है उनके लिए 1299 रुपये का ऑफ़र है, जिसमें 1 ईयर के लिए प्लान है। और उसमें ओनली पैकेज मिलेगा वैल्यू कॉम्बो पैक, जो दोस्तों जिसमें काफ़ी चैनल्स नहीं हैं, ये लिमिटेड चैनल्स के लिए हैं। और जो कस्टमर 90 दिन से बंद है उनके लिए 6 महीने के लिए ऑफ़र है 799 रुपये का, और उसमें भी वैल्यू कॉम्बो ऑफ़र है। तो ये है दोस्तों डीएक्टिवेट कस्टमर्स के लिए ऑफ़र। और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए भी ऑफ़र है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए।